दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग बनाए हैं फ्राई पनीर, इसलिए हम फ्राई कर लेते हैं अपने पनीर को। पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, आप चाहिए तो बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। इसे तेल हमने गर्म कर लिया, थोड़ा सा हमने जीरा डाला है और इसमें हम पनीर को डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। हमने आधा किलो पनीर लिया है, उसे अच्छे से हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मसाले तैयार करें, हम थोड़े से लहसुन लिए, थोड़े से अदरक और थोड़े से प्याज और थोड़े से हम धनिया लिए और जीरा लिए, इन सबको हम बारीक पीस लिए हैं। पनीर फ्राई हो गए हैं, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और बचे हुए तेल में मसालों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें तेज़पत्ता और दालचीनी डालते हैं। अब इसमें हम प्याज डालते हैं, उसको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। हमने प्याज को पीस लिया है, हमने चार प्याज लिया है। अब इसमें मसालों को ऐड कर लेते हैं। हमने जीरा और धनिया को बारीक पीस लिया है, इसमें थोड़ी सी हमने अदरक भी डाली है और थोड़ी सी हमने लहसुन का पेस्ट पीसा है। अदरक, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बना लिया है। इन सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। हमने एक चम्मच लाल मिर्च डाला है घर का पिसा हुआ, एक चम्मच नमक डाला है और एक चम्मच हमने हल्दी डाली है। आप मिर्च और नमक स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। मसालों को हम अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम दो टमाटर हमने पीस लिया था, उसको ऐड कर लेते हैं और उसको अच्छे से इसको ही भून लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। बहुत ही लाजवाब बनेगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मसाले हमारे अच्छे से हम भून गए, इसमें पनीर को हम ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। पनीर इसमें हमने ऐड कर लिया, अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे पकने देते हैं। देखिए 10 मिनट बाद देखिए हमारा पनीर हम तैयार हो गया है। फ्राई पनीर बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है। इसमें हरी मिर्च और धनिया डाल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिर्च और नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा और धनिया डाल देते हैं, बहुत ही लाजवाब बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।